वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी धर्मों को आने वाले विभिन्न धार्मिक तीज त्यौहार की लख लख बधाई हो। ये अप्रैल माह में 8 दिन ऐसे आ रहे हैं जो हमें बड़ी खुशी की बात है, सबके लिए खुशी की बात है, जब तीनों धर्मों के लोग अलग अपनी अपनी मान्यताओं, सभ्यता, रीति रिवाज के अनुसार उपवास रख के उस प्रभु की, उस खुदा की इबादत करेंगे, जो एक अलग ही वातावरण में जो एक गूंज होगी, जो एक सिमरन का जाप होगा, जो एक ध्यान का होगा, एक बहुत अच्छा समय है। ये भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भाईचारे का बहुत अच्छा प्रतीक है, जहां चारों धर्मों के लोग अपने अपने आराध्य की सिमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, उनके बताए हुए वाणी के अनुसार चलने की प्रतिज्ञा लेंगे। ये बहुत ही गर्व की बात है। 8 दिन हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीनों धर्मों के लोग एक साथ अपनी अपनी धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उपवास रख के अरदास करेंगे, इबादत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो हम सब धर्मों के लोग मानवता के लिए बहुत खुशी की बात है। हिंदू धर्म तो उसमें सेवा करिए, मानवता की, गरीबों की, जो उसमें जरा कमजोर है, जो आपको दिखते हैं कि इनकी सेवा को, इनकी जरूरत है, इनको इस चीज की आवश्यकता है। सिख धर्म का पहला कर्तव्य है कि उनके मदद के लिए आगे आए और उनकी उपासना पद्धति में मदद करें, जिससे वो बहुत ही मनोवेग से अपने प्रभु का, अपने इष्ट का ध्यान कर सके। मैं सभी को एक बार पुनः विभिन्न धर्मों के लोगों को बधाई दे रहा हूं, जो ये धार्मिक त्यौहार आ रहे हैं। तीन धर्म एक साथ उपवास रखेंगे 8 दिन। ये 3 दिन ऐसे पड़ रहे हैं जब तीनों धर्म के लोगों का उपवास एक साथ पड़ रहा है, चाहे नवरात्र का हो, चाहे रमजान हो, चाहे ईसाइयों का उपवास 40 चल रहा हो। तो इस बीच अप्रैल माह में 8 दिन तीनों सम्मिलित हो जाएंगे। सब लोग अपने अपने धर्म रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ और ध्यान करेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सिख धर्म से अपील करता हूं कि इन दिनों में समाज का कोई भी व्यक्ति दिखे, जिसको जिस जरूरत का हो, उसकी मदद करें, जिससे उसका पूजा पाठ, सिमरन, ध्यान एकदम खुशहाली से हो सके। क्योंकि सिख धर्म है ही सेवा, सिमरन और लोगों की मदद के लिए। तो मैं सभी, पूरी मानवता से और सिखों से विशेषकर अपील करता हूं कि इस दौरान जो भी भाई किसी भी धर्म का दिखे, जिस प्रकार आप उसकी सेवा कर सकते हैं, सेवा करिए, अगर करिए, जिससे वो अपने पूजा पाठ, अपनी धर्म नीति अनुसार मना सके और सबको के लिए खुशहाली की दुआ, अरदास और प्रार्थना कर सके। मैं यही सबके चरणों में अरदास करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। के लिए बहुत खुशी की बात है। हिंदू धर्म के लोग व्रत, मुस्लिम धर्म समाज के लोग रोजा और ईसाई धर्म के लोग 40 उपवास उनका चल रहा है, वो रखेंगे, जो बहुत ही खुशी की बात है। ईसाई समाज 40 दिन उपवास 2 मार्च से उनका चल रहा है, वहीं 2 अप्रैल से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है सनातन धर्म के लिए। 9 दिन भगवती की आराधना होगी, उनकी पूजा होगी, कन्याओं की पूजा होगी, देवी रूप में होती है। 3 अप्रैल से रमजान शुरू हो रहा है। मुस्लिम समाज के लोग रोजा की ख्यात निभाएंगे, जो बहुत ही अच्छी बात है। रोजा चांद के ऊपर निर्भर रहता है, वो एक दिन आगे या पीछे हो सकता है। 8 दिन ऐसे आ रहे हैं इस सभी के धर्म के व्रत में, जहां सभी धर्मों के व्रत की तिथि आ रही है। 8 दिन सभी लोग उस अपने अपने धर्म के अनुसार जो उपवास रखेंगे, उसमें तीनों धर्म सम्मिलित हो रहे हैं उपवास के लिए। ये बहुत ही खुशी की बात है। सब अपने अपने धर्म के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ, सिमरन, ध्यान, जाप और इबादत करेंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है, इंसानियत के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी से ये निवेदन करता हूं, जहां आप इबादत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सिख मतालंबियों की, सिखों की यह बहुत बड़ी भूमिका है कि तीनों धर्मों के लोग जब उपासना के लिए व्रत रख रहे हैं, तो जो भी समाज का जो भी काम करते हैं सिख समाज, अगर कोई
थोड़ा सा कमजोर व्यक्ति आपको रास्ते में मिले या आपके दुकानदारी बिजनेस में आए तो उसकी हेल्प करिए, क्योंकि सिख धर्म मानवता की सेवा के लिए है। चाहे वो मुस्लिम धर्म समाज का हो, चाहे हिंदू सनातनी धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म का हो, सबके व्रत चल रहे हैं, पूजा पाठ का समय चल रहा है। तो आपको कोई पैदल जाता हुआ मिलता है, अगर आप अकेले बाइक से या स्कूटर से जा रहे हैं तो उनको बैठा लीजिए, जहां तक आप जा रहे हैं वहां छोड़ दीजिए। ये भी एक सेवा है, सिमरन है। आपकी दुकानदारी है तो उसमें सेवा करिए।